ही जगह यहाँ पर सीता माता को बंदी बना के अशोक के पेड़ के नीचे रखा था, तक रावण की हत्या नहीं कर दी थी, यानी कि रावण को मार नहीं दिया गया था। तो ये जो आप यहाँ पर इतना बड़ा सा पैर का निशान देख रहे हैं, ये हनुमान जी का है। हम लोग अभी पहुँच रहे हैं अशोक वाटिका। सो ये मेरे सामने है अशोक वाटिका, राम भगवान सीता माता। तो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। सो भाई आज हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए अशोक वाटिका। मेरे को लगा बस निकल गई मेरी वाली। सो अशोक वाटिका देखने जा रहे हैं, यहाँ पर सीता अम्मा कोहली करके बोल देते हैं, और यहाँ से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर है, लेकिन भाई यहाँ से बसेस वगैरह बहुत टफ है मिलना। और बाकी अभी सुबह के आई थिंक 10:20 हो रहे हैं, 11 बजे बस आती है यहाँ पर। तो हमको ये रेलवे स्टेशन का एरिया सामने, कल भी मैं इधर आया था, कल मेरे को बस मिली थी लेकिन वो मेरे सामने से निकल गई क्योंकि रुकी नहीं इधर, मैंने हाथ नहीं दिया ना इंडिया के जैसे। सो यहाँ से भाई ट्रेन भी जाती है लेकिन ये 5 घंटे लेती है नोएडा एलिया पहुँचने के लिए, और नोएडा एलिया से लगभग 10 किलोमीटर दूर उतार। इस 2-3 दिन से मैं एल्ला के अंदर ही हूँ। एल्ला काफी सुंदर और छोटा सा एक टाउन है, कुछ ऐसा दिखता है भाई, और काफी अच्छा है, पास में रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से अभी हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं अशोक वाटिका। यहाँ पर रावण ने, जो यहाँ का किंग रावण है, लोग यहाँ पर वर्शिप करते हैं उसको, और जिन्होंने सीता माता को किडनैप करके अशोक वाटिका में रखा था, और वो वही प्लेस है। यहाँ पर आपने रामायण में देखा होगा कि हनुमान जी अपना बड़ा विशाल रूप लेते हैं सीता माता को दिखाने के लिए कि उनको राम भगवान ने ही भेजा है, और वह वही व्यक्ति हैं जो राम भगवान ने भेजा। और उनके वहाँ पर, जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अशोक वाटिका, वहाँ पर उनके जो मैसिव यानी कि बहुत बड़े उनके जो पैरों के निशान हैं वो भी हैं, तो हम लोग देखेंगे। बाकी अभी लोग यहाँ पर, भाई मैं अभी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, बस भाई यहाँ पर कुछ पता नहीं है ना, कोई बोलता है भंडर वाला चले जाओ यहाँ से, कोई बोलता है डायरेक्ट बस चलेगी। अभी देखता हूँ, मैं आपको गाइड कर दूंगा अगर आप लोग एल्ला आते हो तो, नहीं तो मैं एल्ला आपको नोएडा एलिया के बाद सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आप लोग विजिट करना। यहाँ पर भाई ऑटो भी चलते हैं, बट ये लोग यार बहुत पैसा मांगते हैं, 5 से 10 हज़ार रुपये मांगते हैं। तो गाइज एल्ला से हम लोग लगभग 13 किलोमीटर बस पकड़कर यहाँ पर आ पहुँचे हैं। ये भाई इस शहर का नाम है बांद्रा वेल्ला करके है, ये आप बस के ऊपर देख लो। यहाँ पर आप लोगों को उतरना है, यहाँ से बस मिलेगी वेल्ली माड़ा के लिए जो कि सबसे लास्ट में ब्लू कलर की खड़ी रहेगी, और फिर वहाँ से हम लोगों को दोबारा से चेंज करनी पड़ेगी बस जाने के लिए नोएडा एलिया के लिए। अगर आप लोग कभी आते हो एल्ला साइड से, तो एल्ला साइड से ट्रेन चलती हैं डायरेक्ट नोएडा एलिया के लिए, लेकिन वो 5 घंटे लगाती हैं, बट अगर आप लोग बस से आओगे तो ऑलमोस्ट लाइक आपको 3 बार तो बस बदलनी पड़ेगी आपको, एल्ला से बांद्रवेल्ला, बांद्रवेल्ला से वेल्ली माड़ा, वेल्ली माड़ा टू सीता अम्मा टेम्पल के लिए। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद और बस वगैरह लेने के बाद हम लोग अभी पहुँच गए हैं अशोक वाटिका। सो ये मेरे सामने है अशोक वाटिका, इसको जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर इसको कुछ डिफरेंट नाम से बोला जाता है, बट हम लोग यहाँ पर अभी, मैं इसके अंदर वैसे दर्शन कर आया लेकिन वीडियोस बनाने के लिए मैं थोड़ा सा बाहर एक बार फिर से आया हूँ। सो देखो मेरे पैर में अभी जूते चप्पल कुछ नहीं है क्योंकि मैंने दर्शन कर लिए हैं। ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, सो ये वही प्लेस है यहाँ पर जैसे रावण और सीता माता को जैसे किडनैप करके लेके आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने ऑलमोस्ट लाइक जब तक रावण का वध नहीं किया था राम भगवान ने, तब तक यहाँ पर बिताया था। तो यहाँ पर देखो आप हनुमान जी की मूर्ति है, और इधर भी हनुमान जी की मूर्ति है, यहाँ पर राम भगवान सीता माता और लक्ष्मण भगवान जी हैं, और ये उनकी सेवा में हाजिर हनुमान जी। सो ये यहाँ का ऐसा है। और भाई पीछे मौसम देखो एक बार, काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम है यार, इधर तो ठंड लग रही है। गैल सिटी में तो भाई गर्मी थी, एल्ला में ठीक था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, यहाँ पर हनुमान जी का एक फुटप्रिंट है जहाँ पर उन्होंने विशाल रूप लिया था और सारी चीज़ें, और यहाँ पर भाई ऐसे मॉन्कीज वगैरह काफ़ी हैं। अभी चलते हैं अंदर की साइड और अंदर से दिखाता हूँ, पता नहीं वीडियोग्राफी अलाउड है अंदर की नहीं है, और जैसा भी होगा मैं दिखाऊंगा। वैसे ये इसका मेन है टेंपल जो कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल रोड पर ही है, ऐसी बसेस में आपको वैली माड़ा से यहाँ तक की बस आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, 110-120 रुपये आपका किराया लगेगा। सो इसके अंदर देखते हैं भाई एंटर करके, वैसे शूज़ वगैरह यहाँ उतारना है, और वैसे इसके अंदर कोई है नहीं अभी इस वक्त, और जितने भी जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा बहुत काम चल रहा है, और ये मंदिर है ऐसा कुछ अंदर से। ऑलमोस्ट सीता माता ने यहाँ पर श्रीलंका के अंदर 1 साल तक बिताया था किडनैप होने के बाद,
तो कुछ ऐसा यहाँ पर दिखता है अंदर से, और अंदर बाहर से भी ज़्यादा ठंडा रखा हुआ है। सो भाई अंदर तो वीडियो बनाने से मना कर दिया, तो मैं आपको धीरे धीरे से दिखाता हूँ जितना भी मेरे से हो सकेगा। बाकी वीडियो बनाना यहाँ पर थोड़ा सा प्रोहिबिटेड है, आपको मैं वो प्लेस पर लेके चलता हूँ यहाँ पर हनुमान जी का पैर है। सो ऐसे कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से आपको जाना है वो फुटप्रिंट देखने के लिए। यहाँ पर हनुमान जी ने अपना बड़ा सा रूप लिया था और पैरों के निशान पड़ गए थे, और यहाँ पर सीता माता को किडनैप करके रखा गया था रावण के द्वारा। तो ऐसा कुछ है और आसपास में माहौल, और ये है भाई यहाँ से नीचे जाने का रास्ता। सो सीता माता ने श्रीलंका के अंदर जब किडनैप करके लाए थे रावण सीता माता को, तो ऑलमोस्ट एक साल तक यहाँ पर बिताया था श्रीलंका के अंदर। और जो ये वाली जो जगह है यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर बिताया था जब तक राम भगवान ने रावण का वध नहीं कर दिया था तब तक। और ये वहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक मतलब शो केस दर्शाया गया कि ऐसे यहाँ पर सीता माता बैठी थी, और ये यहाँ पर पढ़ सकते हो आप थोड़ा बहुत। और ये हनुमान जी का फुटप्रिंट का जो भी है निशान है भाई, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, कम से कम 5 से 7 फुट मतलब इसकी हाइट होगी। सो भाई बाहर से कुछ ऐसा दिखता है ये मंदिर, मतलब बाहर मतलब पीछे वाला साइड है वहाँ से कुछ ऐसा मंदिर दिखता है, और आसपास इसके भाई इतनी ज़्यादा हरियाली है, और यहाँ पर एक नदी बह रही है और नदी के जस्ट पास में ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सो भाई ये मेरे पीछे वही जगह यहाँ पर सीता माता को बंदी बना के अशोक के पेड़ के नीचे रखा था, और जब हनुमान जी उनसे मिलने आए थे तो यहाँ पर उन्होंने उनको अंगूठी दी थी और विशालकाय रूप लिया था, जिसके कारण यहाँ पर इतना बड़ा फुटप्रिंट उनका ऐसे शो आप लोग देख सकते हो, ऐसा यहाँ पर निशान पड़ गया था। और यहाँ पर ऐसा दर्शाया गया कि ऐसे माता सीता यहाँ पर बैठी थी, और रावण के जैसे यहाँ पर करने अपहरण करने के बाद सीता माता ने ऑलमोस्ट तब तक यहाँ पर बिताया जब तक रावण की हत्या नहीं कर दी थी, यानी कि रावण को मार नहीं दिया गया था राम भगवान के द्वारा। सो ये वही प्लेस है और काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल है, आप लोग मस्ट विजिट करो ऐसी प्लेसेस पे। और यहाँ पर वीडियोस वगैरह बनाने भाई थोड़ा सा टफ देते हैं, शायद से उधर की साइड अगर आप चाहो तो वहाँ पर जाके नदी के अंदर भी जा सकते हो उधर से, बट यहाँ से तो आप लोग नहीं जा सकते, वो पत्थर वगैरह है तो डरक के नीचे चले जाओगे। और ये थोड़ा सा इधर का बैकवर्ड एरिया है मंदिर का, यहाँ पर देखो आप ऐसा कुछ दिखता है, काफ़ी सुंदर है भाई। और यहाँ पर भाई टेम्परेचर भाई काफ़ी ज़्यादा डाउन है, हद से ज़्यादा डाउन हो गया है यहाँ पर टेम्परेचर। और यहाँ पर ऊँचे ऊँचे पेड़ हैं, और पेड़ों के ऊपर अगर आप अच्छे से देखोगे तो सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है वो बादल हैं भाई, यहाँ पर इतनी ऊँचाई पर है। और 22 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर, 22 डिग्री हो रहा है इस वक्त, और गैल में था कम से कम 32 से 35 डिग्री के बीच में। सो भाई यहाँ पर देखोगे तो हनुमान जी की गदा भी लगी हुई है, उसका एक रूप लगा हुआ है कि आप लोग देख सको। और आजकल भाई तलवार वगैरह यूज होती है बट गदा बहुत कम यूज होती है, क्योंकि भाई इसमें वेट बहुत होता है और ये सिर्फ महापुरुष ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए आजकल ऐसा इस्तेमाल कम होता है। सो भाई अंदर से कुछ ऐसा दिखता है ये मंदिर। सो गाइस अभी मैं आप लोगों को श्रीलंका देश के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ पर भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हिंदुइज्म को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, बेशक वो बुद्धिस्ट हो या हिंदू हो, तो यहाँ पर बुद्धिज़्म है भाई वो ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा है, मतलब प्लस है, और हिंदुइज्म 12% है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो हिंदुइज़्म जैसे कि देवी देवताओं की पूजा वगैरह करते हैं, यहाँ पर आते हैं वो मतलब दर्शन करते हैं, जैसे कि अशोक वाटिका है तो यहाँ पर भी वो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और जो श्रीलंका का डेमोग्राफिक्स मैंने बताया कि 70% यहाँ पर बुद्धिस्ट है। और जो यहाँ पर बुद्धिज़्म आया कैसे ना, इंडिया से बुद्धिज़्म को लाया गया था, यहाँ पर फैलाया गया था, जो कि थे अशोका दी ग्रेट, इंडिया के जो काफ़ी फेमस एक रूलर थे, तो वो यहाँ पर लेकर आए थे, इसको फैलाया गया था पूरे श्रीलंका के अंदर और काफ़ी सारे देशों के अंदर फैलाया था, जैसे कि चाइना हो गया और काफ़ी सारे देशों में आप लोगों को ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी आपको बुद्धिज़्म देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर भी इंडिया से ही बुद्धिज़्म आया था, और ऑलमोस्ट अब यहाँ पर 70% लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, और हिंदुज़म 12 और मुस्लिम ऑलमोस्ट 7% है या 10% 7% ऐसे ही कुछ है, और क्रिश्चियनिटी को भी अच्छा खासा परसेंटेज है, 5% से ज़्यादा ही है। अब क्रिश्चियनिटी का तो मेरे को कंफर्म नहीं है और मुस्लिम का भी कंफर्म नहीं है, बट हिंदुइज्म और यहाँ पर बुद्धिस्ट काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग। और सामने मेरे देखोगे तो भाई यहाँ पर जो पहाड़ हैं भाई पूरे बादलों से घिरे रखे हैं, इतना ज़्यादा मौसम इधर ठंडा था अभी, और अभी सूरज निकल गया है। और ये पीछे कॉम्प्लेक्स है वो सारा अशोक वाटिका का कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा आउटर एरिया, और कंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। थोड़ा सा मैं अगर आपको आगे से दिखाऊँ तो इधर की साइड अगर आप लोग देखोगे तो पूरा का पूरा जंगली एरिया है, और थोड़ी नीचे एक नदी टाइप की भी है, ये पूरा ऊपर तक देखो जंगल, जैसे अपना हिमाचल प्रदेश है
वैसा यहाँ पर एरिया बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि तू भाई बाहर से वीडियो को बना रहा, अंदर बनाना, तो भाई अंदर तो मैं ऐसे लेके जाऊँगा ना सेल्फी स्टिक, तो वो भाई वैसे भगा रहे हैं मेरे को कि भगा तो नहीं रहे, मतलब कह रहे हैं कि भाई वीडियो मत बनाओ अंदर, वैसे आप लोग एक आधी फ़ोटो खींचनी है खींच लो पर बाहर जाके वो भी। तो यहाँ पर देखो एक बार और लास्ट बार जाते जाते आपको दिखा देता हूँ कि वो है सामने इतना बड़ा फुटप्रिंट हनुमान जी का, और यहाँ पर हनुमान जी ने अंगूठी दी थी सीता माता को विश्वास दिलाने के लिए कि उनको राम भगवान ने ही भेजा है, और वो अंगूठी भी राम भगवान की ही थी। सो भाई अशोक वाटिका के अंदर दर्शन कर लिए और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से जहाँ पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा ली थी वो वाली जगह पर। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और ये कुछ भाई एक बार और झलक देख लो यहाँ से, कुछ ऐसा दिखता है ये। और अभी मैं चलता हूँ भाई बाहर और यहाँ से बस पकड़ कर मेरे को जाना है द्वारा से दूसरी जगह पर अशोक वाटिका से, थोड़ा सा यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर है, तो उधर मेरे को पहुँच के वो आपको वीडियो कल देखने को मिलेगी।